हेलो दोस्तों, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में जितने भी क्लिप्स देखे, इंजन ऑयल चेंज के, ऑयल फिल्टर चेंज के, ये सारी चीज़ें हम अभी घर पे करने वाले हैं। इसकी मतलब घर पे हम सर्विसिंग करने वाले हैं यामाहा एफजेड S3 जो मेरे बाइक है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कितने किलोमीटर चली और मैं कितने किलोमीटर पे इसका सर्विसिंग कर रहा हूँ। और इसके पहले मैंने इसमें जो इंजन ऑयल यूज़ करा वो शोरूम से ही सर्विसिंग करा था। जो इसके पहले आपने क्लिप देखी ना वो शोरूम की थी। तो ओवल ऑयल मैं अब भी चेंज करने वाला हूँ, वो भी घर पे चेंज करने वाला हूँ। तो घर पे सर्विसिंग करते टाइम मतलब एक तो हमें इसके चेन का भी ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो तो एज ए नेसेसरीज मतलब हम जैसे कि बाद में भी इसे क्लीन कर सकते हैं, हाँ जैसे एडवांस बोल सकते हैं हम इसे। तो इतना कुछ मैंडेटरी नहीं होता हो, कंपलसरी आपके मतलब करना हो तो आप कर सकते हो, लेकिन टाइम टाइम पे वो 500-600 किलोमीटर पे आप इसे क्लीन कर सकते हो, चेन लूप कर सकते हो। वो सारी चीज़ें तो हम नहीं करने वाले, वॉशिंग भी नहीं करने वाले, लेकिन सबसे मतलब IMP जो काम होता है वो होता है कि इंजन का इंजन ऑयल चेंज करना। तो देखो मैंने ये वाला इंजन इंजन ऑयल शोरूम से ही खरीदा हूँ, जो कि इसके लिए वो जेन्यून है। FZS V3 के लिए वही इंजन ऑयल मैं मतलब अभी तक यूज़ करता है वो। इसके पहले मैंने एक बार मोटुल का 7100 यूज़ करा हूँ, आपको ऊपर यहाँ पे पिक दिख जाएगा, लेकिन मुझे उसका इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा इस पर्सनली इस बाइक के लिए। और इंजन ऑयल के साथ तो हमें एक इसका ऑयल फिल्टर भी चेंज करना है, जो कि अभी इसका प्राइस है देखो 70 रुपीज़, पहले था 49 रुपीज़ में कुछ महीने पहले, अभी थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया है। कुछ इस टाइप से देखो जूनियर पार्ट है सारा यामाहा का। ये दो चीज़ें हमें इंजन के लिए इंजन के केयर के लिए शोरूम से इसे खरीदना है। और हाँ दोस्तों, इंजन ऑयल चेंज करने से पहले एक ध्यान ख्याल रखें कि इंजन कभी भी गर्म होना चाहिए, कम से कम इसे एक 5-6 किलोमीटर चला के लाए बाइक को, और पूरी तरह से इंजन ऑयल और इंजन पूरा गर्म होना चाहिए, ताकि जो कि इंजन के जितना भी ऑयल है, स्लज है, जो स्मॉलिश पार्टिकल है, सारे इंजन गर्म होने के बाद पूरे इसे निकल जाते हैं। और इंजन ऑयल चेंज करने के लिए हमें इस टाइप से एक 12 नंबर का रिंग पाना चाहिए। और एक चीज़ है कि मतलब इसका ऑयल फिल्टर चेंज करने के लिए हमें 8 mm का इस टाइप से टूल चाहिए, जो कि यहाँ पे बैठेगा। और इसके साथ इंजन ऑयल कलेक्ट करने के लिए एक ऐसे इस टाइप से घर से एक बर्तन लीजिए या तो। चलिए इसका अभी इंजन ऑयल निकालेंगे, ये रहा इसका टूल, यह अभी इधर लगाएंगे हम। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट जाएंगे तो निकल जाएगा इस टाइप से देखो। तो अभी इसको मतलब थोड़ा ध्यान रखें कि इंजन थोड़ा गर्म होगा, इसलिए ये जो ड्रेन बोल्ट है वो भी थोड़ा सा गर्म होगा। तो इसे आहिस्ता से ऐसा घुमा के देखो, थोड़ा सा गर्म है ड्रेन बोल, तो इस टाइप से इसे निकालना है आराम आराम से देखो। और मिनिमम ये वाला ऑयल 3000 किलोमीटर मैंने कम्प्लीटली यूज़ करा हूँ, तो इसके बाद कुछ इस टाइप से इसकी हालत ही देख लो एक बार, पूरा काला हो चुका है। और जब तक इसका इंजन ऑयल मतलब पूरा निकलता है तब तक हमें वेट करना है। और तो चलिए अभी इसको निकलता हूँ आराम आराम से। ये देखो ये वाला सबसे लंबा इसका नट होता है, तो यहाँ से ही वो अंदर लगाना पड़ता है। तो ये रहा इसका ऑयल फिल्टर, और इसके अंदर का ही टॉप वन है देखो। तो इसे भी हम क्लीन करेंगे, एक आपके पास टिश्यू पेपर होगा तो टिश्यू पेपर से क्लीन कर ले, इसके अंदर का भी हमें क्लीन करना है।
और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये जो ओरिंग दिख रही है आपको ब्लैक कलर की, ये वाली ब्लैक कलर की ओरिंग, ये सबसे ज़्यादा अहम पे होती है। इससे ऑयल लीकेज नहीं होता, नहीं तो पूरा इंजन के इसको मतलब ऑयल लीकेज हो जाएगा नीचे से अगर ये ओरिंग अच्छे से नहीं होगी तो इसे भी थोड़ा सा लगाते टाइम हमें इंजन ऑयल लगाना है। इसे भी बाहर निकालेंगे, इसमें डाल दूंगा इस टाइप से, देखो। और देखो इंजन ऑयल निकालने के बाद इसे क्लीन करना भी जरूरी होता है, तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं पूरा। देखो थोड़ा थोड़ा इंजन ऑयल बचा है, तो पूरा इसका आउटसाइड इसका टिश्यू पेपर से मैं क्लीन कर रहा हूँ। आपके पास होगा कॉटन का क्लॉथ तो आप उससे भी क्लीन कर सकते हो। इसके बाद टाइम आता है कि नए वाले इसके इंजन ऑयल जो ऑयल फिल्टर है उसको लगाने का। इस टाइप से लगाने का और इधर के अंदर अंदर ऐसा लगा देने का, तो ये आराम से ऐसा फिट हो जाएगा। देख लो वो जो लंबा वाला बोल्ट है वो पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको यहाँ पे लगाना है। अब इसे एक हाथ से थोड़ा सा टाइट प्रेस करके रखे और उसके बाद ही अब इसे मतलब थोड़ा सा टाइट कर ले और इसका भी ख्याल रख। तो अभी हमने इसका ऑयल फिल्टर का कैप लगा दिया है, तो इसके बाद ही इसका ड्रेन बोर्ड लगाने का। और देखो मैंने इसको पहले से ही मतलब क्लीन कर लिया है अभी माइक्रो क्लॉथ से, तो अभी पूरा क्लीन है। उसके साथ ध्यान रखें कि ये पे इसका वाइसर भी होना चाहिए। जिस राउंड शेप में हमें निकला था एंटी क्लॉकवाइज, अभी हमें क्लॉकवाइज घुमाना है इसे इस तरह से लगाने के लिए। तो देख लो मैंने इसे आराम आराम से लगा लिया है, मतलब पूरा फ्रीले अंदर तक गया। इसके बाद हमें थोड़ा सा इसको टाइट करना है, ख्याल रखें कि मतलब ज़्यादा भी टाइट ना करें, नहीं तो इसके थ्रेड खराब होने के चांसेस रहते हैं अंदर के साइड से। हल्के हाथों से आपको इसको टाइट करना है। चलो मैं भी ये वाला इसका इंजन ऑयल डालने के लिए वाला स्क्रू निकाल लेता हूँ इसका ढक्कन। आप इस टाइप से मतलब टिश्यू पेपर या कुछ क्लॉथ वगैरह लेके इससे इस टाइप से लगे और उसके बाद ही देखो इस टाइप से घुमाना है तो निकल गया था। एक ही इसके मैंने कि इसको क्रैचेस नहीं आएंगे और आराम से इसे निकल पाएंगे, इसलिए। दोस्तों इंजन ऑयल फिल करने के लिए ये वाला इसमें मेरे पास अभी फनल नहीं है, शुरू में इसके लिए एक फनल होता है लंबा वाला, उसमें पाइप लगा होता है तो आराम से वो डाल देते, लेकिन मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसमें इंजन ऑयल डालते टाइम, थोड़ा आहिस्ता से डालना पड़ेगा। तो देखो ये पूरा पैक है, इसको मैं इसका ढक्कन निकलता हूँ। देखो आवाज भी आ गया, सील पैक है पूरा। ये देखो इसमें यामा की बैंडरिंग भी है और ये रहा इसका इंजन ऑयल, इसका सील पैक है। इसको ऊपर का निकालेंगे, देखो देखो मैंने इसको ऊपर का ये वाला पन्नी निकाल लिया है। और इसके इंजन के अंदर 1 लीटर का इंजन ऑयल पड़ता है, तो पूरा 1 लीटर का बोतल हम इसमें डाल देंगे। तो फाइनली सक्सेसफुली मैंने इसके अंदर इंजन ऑयल डाल दिया है। मिनिमम 20 मिली तो 20 मिली इसके बाहर चला गया, वेस्ट हो गया बाहर गिरने के कारण। और इस तरह से हमारे इंजन ऑयल चेंज और ऑयल फिल्टर चेंज मतलब घर में ही इसकी 70% इसकी सर्विसिंग हो चुकी है। इसके बाद इसका चेन क्लीन और स्पार्क प्लग क्लीन और इसका बाइक का वॉशिंग, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं होता। तो हमने इसका मतलब जो मेजर होता है ऑयल इंजन ऑयल चेंज करना, ऑयल फिल्टर चेंज करना, वो चीज़ें कर दी है। स्पार्क प्लग भी मैंने 3000 किलोमीटर के पहले ही नया डाला था, तो इसको अभी कम से कम 5-6 हज़ार किलोमीटर और या 10 हज़ार किलोमीटर इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी करिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और देखो कि ये जो है मैंने अभी इंजन ऑयल चेंज करा है, और V4 जो अभी V3 V4 आ रही है उसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, क्योंकि उसमें इंजन भी सेम ही यूज़ किया है। इसका ड्रेन बोल्ट भी नीचे होगा और इंजन ऑयल यहाँ से ही फिल होगा, ऑयल फिल्टर भी यहाँ से ही चेंज होगा। तो मतलब दोनों के लिए प्रोसीजर सेम है, V2 V3 V4 के लिए भी, जो FZ की अभी नई बाइक आने वाली है। तो थैंक यू दोस्तों, बाय।